हंसती कमाली न होता हस्ती कमाली न होता अगर बाग हस्ती कमाली न होता अगर बाग हस्ती कमाली न होता नकलिया ही खिलती न गुल मुस्कुराते अगर बाग हस्ती कमाली न होता ये सब है मेरे कमली वाले का सदका मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता ये सब है मेरे कमली वाले का सदका मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता ये सब है मेरे कमली वाले का सदका मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता जमी आसमां चांद तारे न होते जमी आसमां चांद तारे न होते ये दुनिया के रंगी नजारे न होते ये दुनिया के रंगी नजारे न होते न ऊंचे चटकते न गुल मुस्कुराते न ऊंचे चटकते न गुल मुस्कुराते न पंछी वहदत के नगमे सुनाते न पंछी वहदत के नगमे सुनाते न गुलशन में आती ये रंगी बहारे न गुलशन में आती ये रंगी बहारे बरसती न रहमत की रिमझिम फुवारे गुलों में ये रंगे जमाली न होता Thank you.
ये दुनिया बनी है। तुफैले मोहम्मद ये दुनिया बनी है। इन्हीं के कदम से ये धरती सजी है। इन्हीं के कदम से ये धरती सजी है। पहाड़ों समंदर ये गुलशन ये सहरा। पहाड़ों समंदर ये गुलशन ये सहरा। ये दिन रात ये सुबह शाम सवेरा। ये दिन रात ये सुबह शाम सवेरा। न आगाज होता न अंजाम होता। न आगाज होता न अंजाम होता। न कुरान का जारी फरमान होता। निशा तक भी दुनिया का बाकी न होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी कुछ न भी होता। न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न फिर ये खिलकत की तखलीक होती। कहाँ फिर ये खिलकत की तखलीक होती। कहाँ फिर सदाकत की तस्दीक होती। कहाँ फिर सदाकत की तस्दीक होती। ये आदम का पुतला बनाया न होता। ये आदम का पुतला बनाया न होता। नबी कोई दुनिया में आया न होता। नबी कोई दुनिया में आया न होता। न याकूब यूसुफ न ईसा न मूसा। न याकूब यूसुफ न ईसा न मूसा। न दाऊद यहया न नूह न ज़करिया। नबुवत का ये सिलसिला ही न होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद न होते ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। अल्लाहु अकबर की आती सदाएं। न अल्लाहु अकबर की आती सदाएं। न अल्लाहु अकबर की आती सदाएं। बिलाली नकामे में होती अजाने बिलाली।
بندوں کی مقبول ہوتی دعائیں، نہ بندوں کی مقبول ہوتی دعائیں، نہ آئین آتے نہ قرآن آتا، نہ آئین آتے نہ قرآن آتا، نہ امت کی بخشش کا سامان آتا، نہ امت کی بخشش کا سامان آتا، نہ گھر گھر میں قرآن کی ہوتی تلاوت، نہ گھر گھر میں قرآن کی ہوتی تلاوت، نہ اللہ کی کوئی کرتا عبادت، کہیں پر بھی ذکر الہی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محشر میں انور، خدا جانے کیا ہوتا محشر میں انور، نہ آتے جہاں میں جو مولا کے دلبر، نہ آتے جہاں میں جو مولا کے دلبر، گنہگار دیتے تب کس کی دہائی، گنہگار دیتے تب کس کی دہائی، نہ ملتی کبھی آنسوؤں کو رہائی، کبھی آسیوں کو رہائی، خطاؤں پہ آسی بہت گڑ گڑاتے، خطاؤں پہ آسی بہت گڑ گڑاتے، عطاب الہی سے پر بچ نہ پاتے، خدا بخش دینے کو راضی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، کملی والے کا صدقہ، یہ سب ہے میرے 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 کملی والے کا صدقہ، نبی کی جو جلوہ نمائی نہ ہوتی، زمانے
मंसूब है जो मोमिन रमजान की अजमत से ईमान सजाते हैं वो सब्र कनात से, जो रोज़े की लज़्ज़त पर मशकूर खुदा होंगे फिर दोस्तों में जाएंगे अल्लाह की रहमत से। हिकायत है सुनो ऐ दोस्त तो ये माह रमजान की हिकायत है कि इसमें नफ्स की पाकीज़गी है और करामत है, इसमें नफ्स की पाकीज़गी है और करामत है, इसमें नफ्स की पाकीज़गी है और करामत है। सुनो ऐ दोस्त तो ये माह रमजान की हिकायत है, इसमें नफ्स की पाकीज़गी है और करामत 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 है। तुम्हें तस्वीर हम एक दौरे माजी की दिखाते हैं जो गुजरा वाकया बगदाद में तुमको सुनाते हैं, वहां बस्ती में एक इंसान बा ईमान रहता था, वो होकर एक मुफलिस गर्दिशों की मार सहता था, मगर इस हाल में भी दिन गुजरते थे मसरत से, कभी गाफिल नहीं रहता था वो रब की इबादत से, हमेशा जहन में रखता था सुन्नत शाहे बतहा की, उसे मसरूर रखती थी अकीदत अपने आका की, किया करता था मजदूरी जफाकश नेक इंसान था, नमाज़ो रोजे का पाबंद था सच्चा मुसलमान था, मुकद्दर से मिली थी नेक बीवी खूबसूरत थी, वो खुश दिल साबिरा थी बाहया और नेक आदत थी, खुदाए पाक ने एक खूबरू फर्जंद बख्शा था, उसी दौलत से खुश माँ बाप थे वो सबका प्यारा था, उसी दौलत से खुश माँ बाप थे वो सबका प्यारा था, उसी दौलत से खुश माँ बाप थे वो सबका प्यारा था।
मिली थी तरबियत अच्छी उसे वो नेक बच्चा था, अदब करता था सबका और वो पढ़ने में अच्छा था। अभी थी उम्र उसकी साथ की लेकिन था संजीदा, फकत था लिखने पढ़ने का अमल उसका पसंदीदा। ये हसरत बाप माँ की थी के नेक इंसान बन जाए, खुदा के फजल से ये हाफिज़े कुरान बन जाए। किसी मजबूर का दिल जान कर उसने ना तोड़ा था, महे रमजान का उसने कोई रोजाना छोड़ा था। बड़े ही शौक से मादर पिदर उसको पढ़ाते थे, वो मजदूरी से लिखने पढ़ने का खर्चा चलाते थे। वो इल्मे दीन को दौलत समझते थे जमाने की, तमन्ना थी चहीते लाल को हाफिज बनाने की। पढ़ा सब नादिरा कुरान उसने रब की रहमत से, शुरू फिर हाफिजा उसने किया बाशौक मेहनत से। खुदाए पाक की रहमत हुई मेहनत ये रंग लाई, खुदाए पाक की रहमत हुई मेहनत ये रंग लाई, खुदाए पाक की रहमत हुई मेहनत ये रंग लाई। तमन्ना थी जो उन सब की खुदा ने पूरी फरमाई, तमन्ना थी जो उन सब लड़का कौम का सैयद था उसका नाम असलम था, यकीन मोहकम था उसका और अमल भी उसका पैहम था। हुआ वो हाफिज़े कुरान अजमत मिल गई उसको, मिला इनाम दस्तारे फजीलत मिल गई उसको। मुबारकबाद दी उस्तादों ने तहसीन फरमाई, सभी बस्ती के लोगों ने मुबारकबाद पहुंचाई। अजीजो अकरुबा अहबाब सारे खुश नजर आए, गले सबने लगाया और खुशी से हार पहनाए। खुशी से बाप माँ उस दम नहीं फूले समाते थे, खुदा का शुक्र अदा करते थे वो सजदे में जाते थे। हुई जब उम्र उसकी 20 की स्कूल जाता था, वहां से दूर के गांव में बच्चों को पढ़ाता था। वो एक दिन आ रहा था गांव से बगदाद घर अपने, गुजरता था घने जंगल में बागों से खजूरों के। मिला एक काफिला रास्ते में उसमें एक लड़की थी, मिला एक काफिला रास्ते में उसमें एक लड़की थी, मिला एक काफिला रास्ते में उसमें एक लड़की थी। अचानक रास्ते में पड़ गया दौरा वो लेटी थी, अचानक रास्ते में पड़ गया दौरा वो लेटी थी, अचानक रास्ते में पड़ गया दौरा वो लेटी थी। Thank you.
था होश उसको, उस पे था आसेब का साया, के पहली बार उस पे हो गया था जिन का हमला। सभी घबरा रहे थे, रो रहे थे बाप माँ उसके, हुए सब दस्तों पा जंगल में ठंडे नागहां उसके। हुआ जब हाल ये मालूम असलम को तो फौरन ही, पढ़ी कुरान की सूरत कोई और उस पे दम कर दी। यकायक आंख खोली उसने फौरन होश में आई, निगाहें फेर ली असलम ने, लड़की उठ के ये बोली, पढ़ा जब आपने कुछ तो मुझे जिन्नों ने छोड़ा है, मगर आगे ना फिर हमला करें मुझको ये खटका है। कहा असलम ने इंशा अल्लाह अब खटका नहीं कोई, कलामे पाक की सूरत ने उनको कर दिया जख्मी। किया सब काफले ने शुक्रिया के बच गई सलमा, निहायत खूबरू थी वो हसीना, नाम था सलमा। नजर एक बार दोनों की मिली फिर मिल नहीं पाई, नजर एक बार दोनों की मिली फिर मिल नहीं पाई, नजर एक बार दोनों की मिली फिर मिल नहीं पाई। इधर असलम भी शर्माया, उधर सलमा भी शर्माई, इधर असलम भी शर्माया, उधर सलमा भी शर्माई, इधर असलम भी शर्माया, उधर सलमा भी नजर एक बार दोनों की मिली फिर मिल नहीं पाई, इधर असलम भी शर्माया, उधर सलमा भी शर्माई। सामईन हजरात, जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो क्या हुआ, आइए इस बात को मुलाजा फरमाएं। टला वो हादसा लेकिन हुआ था काम दोनों का, अब आगे देखिए क्या होगा फिर अंजाम दोनों का। नजर असलम की पहली जब पड़ी सलमा के चेहरे पर, तो दिल पर चल गया फौरन ही जालिम इश्क का खंजर। दोबारा फिर न देखा के शरीयत ने उसे रोका, निगाहें तो बचा ली उसने लेकिन दिल हुआ शैदा। बराबर था असर दोनों के दिल पर इश्को उल्फत का, तसव्वुर में था उन दोनों ही के महबूब का चेहरा। पिछड़ते वक्त सलमा ने उसे मुड़ मुड़ के देखा था, ज़बां खामोश थी दोनों की लेकिन दिल तड़पता था। गया वो काफुला आगे, इधर असलम भी घर आया, नजर में बस गया था उसके सलमा हूर का चेहरा। भुलाना चाह सलमा के लिए हर चंद कोशिश की, मगर उस माहरू की याद रह रह कर सताती थी। परेशान हो गया वो नींद में उसकी खलल आया, परेशान हो गया वो नींद में उसकी खलल आया, सुकून पाया के एक दिन चांद रमजा का निकल आया, सुकून पाया के एक दिन चांद रमजा का निकल आया, सुकून पाया के एक दिन चांद रमजा का निकल आया।
पढ़ता था नमाजे शौक से, रोजे भी रखता था। वो दिन और रात में कुरान के 10 पारे पढ़ता था। वो करता था दुआ, या रब सुकून मुझको अता कर दे, दुआ मकबूल फरमा ले, मुझे गम से रिहा कर दे। मेरे हक में हो बेहतर तो मेरी सलमा से हो शादी, अगर ऐसा ना हो तो भूल जाऊं याद सलमा की। कभी पस्पा न कर पाए मुझे रंजो अलम मेरा, इलाही नेक रस्ते से न हट पाए कदम मेरा। तेरे महबूब की सुन्नत अदा करता रहूं या रब, तेरी तौहीद का दुनिया में दम भरता रहूं या रब। उधर सलमा की हालत भी नहीं असलम से कुछ कम थी, बड़ी हिम्मत से यादों का छुपाए दिल में वो गम थी। गमे फुरकत के मारे रात भर सोया न जाता था, वो रोजा रखती थी दिन भर ना उसको चैन आता था। दुआ छुप छुप के अल्लाह पाक से उसने ये मांगी थी, दुआ छुप छुप के अल्लाह पाक से उसने ये मांगी थी, दुआ छुप छुप के अल्लाह पाक से उसने ये मांगी थी। तू फैले माह रमजान अब तमन्ना दिल की हो पूरी, फैले माह रमजान हजरात, ये दोनों ही माहे रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं और नमाज़ें पढ़कर परवरदिगारे आलम से दुआ कर रहे हैं। ए परवरदिगारे आलम, तू आलिमुल गैब है, हम दोनों की दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। गरज असलम ने माहे रमज़ान के सब रख लिए रोज़े, रियाजत और दुआ के साथ सब पूरे किए रोज़े। दुआ रमजान में जब कोई रोजादार करता है, खुदाए पाक उस मोमिन का बेड़ा पार करता है। अभी ईद उल फितर को एक हफ्ता ही गुजर पाया कि असलम के लिए सलमा की शादी का पयाम आया। तू फैले माहे रमजान मेहरबानी रब ने फरमा दी कि सलमा और असलम दोनों की तय हो गई शादी। हुई दोनों तरफ शादी की तैयारी मसरत से, बनाया दूल्हा असलम को बड़े अरमानों हसरत से। गई बारात घर से बाखुशी मंजिल पे जा पहुंची, दुल्हन के बाप ने बारात की खातिर तवाजे की। दुआ मकबूल अल्लाह पाक ने दोनों की फरमाई के उनकी कश्तीए अरमान साहिल पर नजर आई। फिर उसके बाद जो भी रस्म थे वो हो गए पूरे, फिर उसके बाद जो भी रस्म थे वो हो गए पूरे, फिर उसके बाद जो भी रस्म थे वो हो गए पूरे। निकाह के बाद रुखसत की वो तैयारी लगे करने, निकाह के बाद रुखसत की वो तैयारी लगे करने, निकाह के बाद करने।
जहेज और माल जेवर लड़की वालों ने दिया काफी। तवाजे और आदत से हुए खुश सारे बाराती। सभी बस्ती के लोगों ने कहा ये दूल्हा अच्छा है, के जैसी खूबरू दुल्हन है वैसा ही ये दूल्हा है। गरज इज्जत से और अखलाक से बारात रुखसत की। तू फैले माह रमजान मेहरबानी थी ये कुदरत की। दुल्हन दूल्हा मसरत से नहीं फूले समाते थे, खुदाए पाक के एहसान में वो डूबे जाते थे। दुल्हन डोली में थी बारात थी सब ऊंट घोड़ों पर। घने जंगल में जब बारात पहुंची तो ये था मंजर। कई डाकू निकल कर आ गए बारात के आगे, कहा सब मारे जाएंगे अगर डर कर जरा भागे। जो था सामान रुपया वो जबरदस्ती सभी छीना। वो जिसने कुछ कहा उस पर किया तलवार से हमला। बहुत से हो गए जख्मी सभी पर खौफ तारी था। बहुत से हो गए जख्मी सभी पर खौफ तारी था। बहुत से हो गए जख्मी सभी पर खौफ तारी था। दुल्हन को भी मैं जेवर के बांधा घोड़े पर डाला। दुल्हन को भी मैं जेवर के बांधा घोड़े पर डाला। दुल्हन को भी मैं जेवर के बांधा घोड़े पर बहुत से डाकू थे बारात लूटी और फिर भागे। सभी घोड़ों पे थे तेजी से गायब हो गए सारे। परेशान हाल थी बारात उस पर खौफ छाया था। सभी हैबत में थे के हाय कैसा हादसा गुजरा। बुरा था हाल असलम का नहीं था होश कुछ उसको। वो बेचारे पिदर असलम के हैरान थे के अब क्या हो। इकट्ठे जब हुए बारात वाले ये खबर पाई के डाकू ले गए दुल्हन को डोली रह गई खाली। सभी बारात वाले रो रहे थे हाय अब क्या हो, के खाली लौट कर हम जाएं कैसे अपनी बस्ती को। गरज मजबूर होकर वो सभी इस बात पर आए के लड़की के पिदर को हाल जाकर कोई बतलाए। सभी बारात अब बगदाद पहुंचे फिर ये सोचेंगे दुल्हन कैसे मिलेगी किस तरफ सब जाके ढूंढेंगे। मुसल्लाह हो के हम सब बस्ती वाले ढूंढ सकते हैं। मुसल्लाह हो के हम सब बस्ती वाले ढूंढ सकते हैं। मुसल्लाह हो के हम सब बस्ती वाले ढूंढ सकते हैं। सभी की हो गई ये राय चलिए घर को चलते हैं। सभी की हो गई ये राय चलिए घर को चलते हैं। सभी की हो गई ये राय चलिए घर को चलते हैं।
سامعین حضرات، وہ سب لوگ اتفاق رائے سے یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ پہلے گھر چلیں اور اس کے بعد سب لوگ دلہن کو ڈھونڈنے نکلیں گے، آگے کیا ہوتا ہے؟ غرض سب متفق تھے لوٹ کر اپنے وطن جائیں، مگر اسلم یہ بولا آپ سب تو کوچ فرمائے، کریں گے ہم تلاش ان ڈاکوؤں کو اب کہیں جا کر، بلا دلہن کے ہم واپس نہیں جائیں گے اپنے گھر۔ غرض اپنے پدر کو اس نے سمجھایا کہ گھر جاؤ، خدا حافظ ہے میرا تم نہ کوئی فکر فرماؤ، مجھے امید ہے اللہ کا مجھ پر کرم ہوگا، ملے گی کامیابی دور میرا رنج و غم ہوگا، کسی صورت بھی خالی لوٹ کر میں گھر نہ جاؤں گا، میری ماں پوچھیں گی دلہن کہاں ہے کیا بتاؤں گا۔ سبھی نے اس کو سمجھایا مگر وہ اڑ گیا اس پر، سبھی حضرات جائیں لوٹ کر آ جاؤں گا میں گھر، قسم دے دے کے اس نے اور سب کو تو وطن بھیجا، جدھر ڈاکو گئے تھے وہ ادھر ہی چل دیا تنہا، وہ چلتے چلتے پہلے شام سے ایک شہر میں پہنچا، وہ چلتے چلتے پہلے شام سے ایک شہر میں پہنچا، وہ چلتے چلتے پہلے شام سے ایک شہر میں پہنچا، وہاں اس نے برہنا مست ایک مجذوب کو دیکھا، وہاں اس نے برہنا اپنے والد اور سب قافلے والوں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جائیے، میری ماں پوچھیں گی تو میں کیا بتاؤں گا، میں ان ڈاکوؤں کو تلاش کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، آگے کیا ہوتا ہے سماعت فرمائیے گا۔ اٹے تھے ہاتھ پاؤں دھول مٹی اور کیچڑ میں، بہت سے بچے پیچھے پھر رہے تھے ان کے چکر میں، وہ بچے مار کر پتھر انہیں ٹھٹھا لگاتے تھے، مگر مجذوب جب لگتا تھا پتھر مسکراتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے دوست ہو تم مار لو ہم کو، مگر جب چاہیں گے ہم جیت لیں گے سارے عالم کو۔ انہیں بچوں میں اسلم بھی چلا مجذوب کے پیچھے، اسے مجذوب نے دیکھا تو ایک دم مسکرا اٹھے، وہ گزرے ایک رستے سے کنارے سہن تھا اونچا، تھا بیچو بیچ اس میں حوض ایک پانی سے جو پر تھا، کنارے حوض کے بستر تھا اس پر کچھ کتابیں تھیں، حدیث پاک اور قرآن کی جلدیں بھی رکھی تھیں، وہاں بیٹھے تھے مولانا امامہ سر پہ تھا ان کے، وہاں مجذوب جا کے چلتے چلتے ایک دم ٹھہرے، نظر ڈالی جو مولانا پہ تو مولانا یہ بولے، نظر ڈالی جو مولانا پہ تو مولانا یہ بولے، نظر ڈالی جو مولانا پہ تو مولانا یہ بولے، مجھے لگتا ہے تم بھوکے ہو آؤ کھانا کھاؤ گے، مجھے لگتا ہے تم بھوکے ہو آؤ کھانا کھاؤ گے، مجھے لگتا ہے تم بھوکے ہو آؤ کھانا کھاؤ گے۔
سامعین حضرات، جب یہ لڑکا اسلم ان ڈاکوؤں کی تلاش میں جا رہا تھا تو دیکھا ایک مجذوب فقیر کے پیچھے کچھ بچے پتھر مار رہے ہیں لیکن وہ مسکراتے ہیں۔ یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا تو آگے ایک مولوی صاحب ملے، انہوں نے مجذوب فقیر سے کیا کہا سماعت فرمائیے۔ کہا مجذوب نے اچھا ہمیں تم کھانا کھلواؤ، تو بولے مولوی صاحب یہاں تشریف لے آؤ۔ گئے مجذوب اوپر تو بٹھایا ان کو بستر پر، کتابوں کو چھوا مجذوب نے تو پوچھا یہ ہنس کر، یہ کیا ہے مولوی بولے تمہارے کام کی کب ہیں، انہیں مت چھونا تم یہ محترم ہیں اپنے مذہب میں۔ گئے وہ مولوی صاحب جو کھانا لینے اپنے گھر، تبھی مجذوب نے ڈالی کتابیں حوض کے اندر۔ جو آئے مولوی صاحب کتابوں کو نہیں پایا، ہوئے حیران اور مجذوب سے اس بات کو پوچھا۔ کہا مجذوب نے وہ سب ہمارے کام کی کب تھیں، اسی باعث وہ ہم نے سب اٹھا کر حوض میں ڈالی۔ ہوئے ناراض مولانا عجب انسان ہے مت والا، حدیث پاک اور قرآن کو اس حوض میں ڈالا۔ یہ سن کر بولے وہ مجذوب اس میں ہے برائی کیا، یہ سن کر بولے وہ مجذوب اس میں ہے برائی کیا، یہ سن کر بولے وہ مجذوب اس میں ہے برائی کیا۔ نہیں تھیں وہ کتابیں کام کی تو ان کا کیا ہوتا، نہیں تھیں وہ کتابیں کام کی تو ان کا کیا ہوتا، نہیں تھیں وہ کتابیں کام کی تو ان کا کیا ہوتا۔ جب یہ مولانا صاحب کے پاس گئے مجذوب فقیر، ان کی جو کتابیں تھیں اس کو چھوا، مولانا صاحب کہنے لگے یہ تمہارے کام کی نہیں ہیں۔ لیکن جب مولانا صاحب کھانا لینے گھر جاتے ہیں تو یہ مجذوب فقیر ان کتابوں کو اٹھا کر حوض میں ڈال دیتے ہیں، لیکن مولانا صاحب کیا کہتے ہیں آ کر؟ کہا مولانا صاحب نے اسے تم کچھ نہ سمجھو گے، حدیث پاک اور قرآن ہے ہر چیز سے بڑھ کے۔ کہا مولانا صاحب سے پریشان اس قدر کیوں ہو، نکالا حوض سے مجذوب نے سوکھا کتابوں کو۔ کہا مولانا صاحب نے تمہاری یہ کرامت ہے، جواب ان کو دیا مجذوب نے اللہ کی قدرت ہے۔ نہ کھایا کھانا پھر مجذوب نے فوراً چلے آئے، نکل کر شہر کی گلیوں سے جنگل کی طرف دوڑے۔ سبھی بچے تو واپس ہو گئے، اسلم نہیں لوٹا۔ کہا مجذوب نے کیوں کر رہے ہو تم میرا پیچھا، کھجوروں کے درختوں کا تھا ایک جنگل وہاں ٹھہرے۔ کہا مجذوب نے اسلم سے تو بھی لوٹ جا پیچھے۔ کہا اسلم نے حضرت آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے، مصیبت جو بھی کچھ آئے اسے خوش ہو کے سہنا ہے۔ مرید اپنا ہمیں کر لے تو یہ بے حد کرم ہوگا، مرید اپنا ہمیں کر لے تو یہ بے حد کرم ہوگا، مرید اپنا ہمیں کر لے تو یہ بے حد کرم ہوگا۔ ملے گی ہم کو منزل دور سب رنجو علم ہوگا، ملے گی ہم کو منزل دور سب رنجو علم ہوگا،
सामईन हजरात, जब वो मजदूर फकीर आगे बढ़ते हैं तो सब बच्चे तो लौट जाते हैं लेकिन असलम नहीं लौटता। वो कहते हैं कि तू भी अपने घर वापस चला जा, लेकिन असलम कहता है कि हमें आप ही के साथ रहना है, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए। और उसके बाद आगे क्या होता है लीजिए समाज फरमाइएगा। कहा मजजूब ने धोखा ना खाओ, हम हैं दीवाने, बनाओ उनको अपना पीर जो हो जाने पहचाने। मगर असलम ने जिद की, दस्त बस्ता पेश की अर्जी, करूंगा आपकी खिदमत नहीं कुछ इसमें खुद गर्जी। कहा असलम से फिर मजजूब ने एक शर्त मानोगे, मेरा कहना किसी भी हाल में हर किस ना टालोगे। खुशी से शर्त की मंजूरी ये मजजूब साहब की, तो असलम के लिए बैयत को वो भी हो गए राजी। के असलम की गुजारिश आपने मंजूर फरमा ली, मुरीद अपना किया फिर एक निगाहे मारुफत डाली। हुई जब रात तो 100 रुपये देकर कहा जाओ, तवाइफ के यहां तुम शब गुजारो सुबह को आओ। ये सुनते ही पड़ा हैरत में असलम, क्या किया जाए, मगर वादा किया है शहर की जानिब चला जाए। तवाइफ के यहां पहुंचा कहा एक रात ठहरेंगे, तवाइफ के यहां पहुंचा कहा एक रात ठहरेंगे, तवाइफ के यहां पहुंचा कहा एक रात ठहरेंगे। तवाइफ ने कहा हम आपसे 100 रुपये लेंगे, तवाइफ ने कहा हम आपसे 100 रुपये लेंगे, तवाइफ ने कहा हम आपसे 100 रुपये लेंगे। असलम के ज्यादा जिद करने पर ये मजदूर फकीर मुरीद करके मारफत की नजर डालते हैं, कहते हैं जो मैं कहूंगा तुम्हें मानना पड़ेगा। असलम मंजूर कर लेता है, कहते हैं ये लो 100 रुपये और शहर में जाकर तवाइफ के यहाँ एक रात गुजार कराओ। आगे क्या हुआ सुनिएगा। तवाइफ ने उसे एक अच्छे से कमरे में ठहराया, उसी कमरे में फिर एक नौजवान लड़की को पहुंचाया। कहा बापर्दा उस लड़की से असलम ने के तुम जाओ, हमें एक जानमाज और लोटा एक पानी तो ले आओ। गई वो जानमाज और पानी असलम के लिए लाई, मसहरी पर छुपा कर चेहरा उस कमरे में जा लेती। इबादत में हुआ मशगूल असलम कौफ्तारी था, वो लड़की सो गई उसका नफिल पढ़ना ही जारी था। दुआ करता था वो अपने खुदा से चश्म नम होकर, बचा ले तू गुनाह से बात पहले शाहे पैगंबर। सहर की जब अजां कानों में आई तो चला आया, नमाज उसने पढ़ी और शुक्र खालिक का बजा लाया। कहा फिर रात को मजजूब ने 100 रुपये देकर, तवाइफ के यहां जाकर रहो तुम आज फिर शब भर। लिए वो रुपये असलम ने फिर वो शहर में पहुंचा, लिए वो रुपये असलम ने फिर वो शहर, लिए वो रुपये असलम ने फिर वो शहर में पहुंचा। तवाइफ को रकम दी और उसी कमरे में जा ठहरा, तवाइफ को रकम दी और उसी कमरे में जा ठहरा, तवाइफ को
दूसरे दिन फिर वो मजदूर असलम को 100 रुपये देकर कहते हैं कि आज की रात फिर जाओ उसी तवायफ के यहाँ और पूरी रात वहीं गुजार कराओ। आगे क्या होता है सुनिएगा। वो लड़की फिर छुपा कर चेहरा उस कमरे में जा लेटी, वुजू था आज उसका, फिर नमाज उसने शुरू कर दी। सहर को सो रही थी लड़की, ये उठकर चला आया, था दिल में मुतमईन के आज फिर अल्लाह बचा लाया। हुई जब रात तो फिर शाहजी ने खाक में ढूंढे, मिले 100 रुपये तो फिर कहा असलम से लो बेटे, तवाइफ के यहाँ फिर जाओ जाकर तासहर ठहरो, हमारी बात मानो तुम बुराई इसमें मत समझो। परेशानी में था असलम, समझ में कुछ ना आता था, मगर मजदूब से अपने किए वादे निभाता था। वो पहुंचा फिर तवाइफ के यहाँ, लड़की भी वो आई, मगर थी आज वो बेचैन सी, सोने नहीं पाई। नफिल पढ़ के हुआ फारिग तो असलम ने दुआ मांगी, उठाई जा नमाज उसने तो लड़की चीख कर बोली, खुदाया मेरी इज्जत को बचा या मौत दे मुझको, खुदाया मेरी इज्जत को बचा या मौत दे मुझको, खुदाया मेरी इज्जत को बचा या मौत दे मुझको। कहा असलम ने लड़की से, परेशानी है क्या बोलो, कहा असलम ने लड़की से, परेशानी है क्या बोलो, तीसरे दिन ये मजदूर फिर 100 रुपये देकर कहते हैं कि आज तासहर फिर तुम्हें उसी तवाइफ के यहाँ ठहरना है। ये असलम जाता है वहाँ पर, लेकिन आज ये लड़की बेचैन सी नजर आई और चीख कर बोली, ए अल्लाह या तो मेरी इज्जत को बचा या मुझे मौत दे दे। ये सुनकर असलम उस लड़की से कहता है, क्या समाज फरमाइएगा। ये सुनकर रो पड़ी बोली के मुझ पर कहर टूटा है, मेरी बारात को और मुझको कज़ाकों ने लूटा है, मेरा सब छीन कर जेवर मुझे इस घर पे बेचा है, मेरी इज्जत है खतरे में, मुझे बेहद ही सदमा है। तवाइफ ने किया ऐलान, 100 दीनार जो देगा वही घर पर हमारे आके बस एक रात ठहरेगा, बस उसके बाद आ पाए हैं कोई भी नहीं आया, न जाने हादसे में क्या हुआ है हाल शौहर का। खुदा के वास्ते हमला न करना मेरी इस्मत पर, गला मेरा दबाओ तुम तो मेरे हक में हो बेहतर। ये पूछा उससे असलम ने, तुम अपना नाम बतलाओ, निशानी तुम पे शौहर की है कोई हमको दिखलाओ। कहा अंगुश्तरी है मुझ पे शौहर ने मुझे दी थी, है मेरा नाम सलमा और असलम से हुई शादी। कहा असलम ने मत घबराओ रब इमदाद कर देगा, कहा असलम ने मत घबराओ रब इमदाद कर देगा, कहा असलम ने मत घबराओ रब इमदाद कर देगा, यकीन रखो वो तुमको आज ही आजाद कर देगा, यकीन रखो वो तुमको आज ही आजाद कर देगा, यकीन रखो वो तुमको आज।
तीसरी शब्द, जब ये लड़का फिर वहीं जाता है, वो लड़की बेचैन होकर रोने लगती है, कहती है खुदारा या तो मेरी इज्जत को बचा या मुझे मौत दे दे। ये सुनकर असलम इससे पूछता है तो वो अपने बारे में बताती है और फिर आगे क्या होता है लीजिए मुलाहजा फरमाइए। अजा होने लगी, असलम वहां से लौट कर आया, हुई जब शाम तो मजजूब से असलम ने ये पूछा, इजाजत हो तो फिर हम रात भर ठहरे वहीं जाके। कहा मजजूब ने अब शहर में हरगिज न जाओगे, हुई जब सुबह तो मजजूब ने असलम से फरमाया, तू जाकर उस तवाइफ को बुला ला तू जहां ठहरा। तवाइफ आई तो मजजूब ने ये उससे फरमाया, वो लड़की लाके इस लड़के को दे वरना बुरा होगा। तवायफ देख कर घबरा गई मजजूबे आजम को, वो लड़की ला के दी बे उजर ही जल्दी से असलम को। कहा मजजूब ने असलम से तेरी बीवी है ले जा, अशरफी भी जमी से खोद कर दी शाद फरमाया। कहा इनाम है तुम दोनों को ये रोजे रखने का, चलेगा राह हक पर तो कभी वो कर ना खाएगा। तवायफ से कहा तू तौबा कर लग जा इबादत में, तवायफ से कहा तू तौबा कर लग जा इबादत में, तवायफ से कहा तू तौबा कर लग जा इबादत में, जो दौलत है उसे दे दे गरीबों की हिमायत में, जो दौलत है उसे दे दे गरीबों चौथी रात। असलम खुद कहता है हजरत आज मैं फिर उसी तवायफ के यहाँ चला जाऊँ क्या? कहा नहीं, तुम शहर की तरफ नहीं जा सकते आज। फिर कहा कि जाओ उस तवायफ को मेरे पास बुला कर लाओ। वो आई तो फरमाया कि तू उस लड़की को असलम को दे दे, ये इसकी बीवी है। उसके बाद वो जब तवायफ आई तो हजरत ने क्या फरमाया, समाप्त फरमाइएगा। तवायफ को भी देकर के अशरफी कर दिया रुखसत, तवायफ ने भी तौबा की बदल दी अपनी सब हालत। चला असलम जो बीवी लेके तो मजजूब गायब थे, मिले रस्ते में उसको बाप और सब लोग बस्ती के। दुल्हन को ढूंढते फिरते थे असलम जब मिला उनको, हुए बेहद ये खुश लौटे वतन को दी दुआ उनको। जो घर पहुंचे तो सब बस्ती को और माँ को मसरत थी, हकीकत में ये रोजादार पे अल्लाह की रहमत थी। शरीयत की जो रोजादार पाबंदी निभाएंगे, शरीयत की जो रोजादार पाबंदी निभाएंगे, शरीयत की जो रोजादार पाबंदी निभाएंगे, वही ऐ शौक अल्लाह पाक का दीदार पाएंगे, वही ऐ शौक अल्लाह पाक का दीदार पाएंगे, वही ऐ शौक अल्लाह पाक का दीदार पाएंगे। शरीयत की जो रोजादार पाबंदी निभाएंगे, शरीयत की जो रोजादार पाबंदी निभाएंगे, शरीयत की जो रोजादार पाबंदी निभाएंगे, वही ऐ शौक तो अल्लाह पाक का दीदार पाएंगे, वही ऐ शौक तो अल्लाह पाक का दीदार पाएंगे, वही ऐ शौक तो अल्लाह पाक का दीदार पाएंगे, वही
पस्ती की तरफ जाया नहीं करते, ख्यालो खाम अपने दिल में वो लाया नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला के चाहने वाले, बजुज़ इश्क़े नबी कुछ और अपनाया नहीं करते। सरकार मदीना से, सरकार मदीना से, सरकार मदीना से निस्बत हो तो ऐसी हो, नस्बत हो तो ऐसी हो, सरकार मदीना से नस्बत हो तो ऐसी हो, सरकार मदीना से नस्बत हो तो ऐसी हो। खुद प्यार नबी
चापई महशर की, चाहत हो तो ऐसी हो। दंदान का सुनो, किस्सा है ये रसूल के दंदान का सुनो। जख्मी हुए थे जंग में सरताज अंबिया, एक दांत भी शहीद हुआ इसमें नबी का। हजरत अवैस को लगी जिस वक्त ये खबर, तो गम की लहर दौड़ गई जिस्म के अंदर। फिर आपने कहा कि जो मैं होता वहां पर, कर देता अपनी जान नबी पे निछावर। अफसोस नबी से रहा उस वक्त मैं बईद, दंदान मुबारक नबी का जब हुआ शहीद। बर्दाश्त इस गम को भला मैं कैसे करूँगा, प्यारे नबी से उम्र भर शर्मिंदा रहूँगा। उनको नबी के दांत का बेहद हुआ मलाल, दिल में अवैस करने के फिर आया ये ख्याल। दंदान मुबारक नबी का जब नहीं रहा, एक दांत अपना तोड़ दूं ये हक करूं अदा। ये सोचते ही तोड़ लिया एक दांत को, ये सोचते ही तोड़ लिया एक दांत को। फिर सोचने लगे कि कहीं दूसरा ना हो, फिर सोचने लगे कि कहीं दूसरा ना हो। अल्किस्सा अपने मुंह में कोई
सरकार दो आलम से उल्फत हो तो ऐसी शाम में तो बढ़ गया तरहना शरीयत के काम में हर रात ता यजीद से उस वक्त हर बशर वो हुक्मरानी करता था बेखौफ बेखतर हाकिम यजीद ने दिया हुसैन को पयाम बैअत करो कबूल हमारी बेहतराम ठुकरा दिए हुसैन ने यजीद के उसूल ठुकरा दिए हुसैन ने यजीद के उसूल बेअत यजीद आपने हरगिज़ न की कबूल बेअत यजीद आपने हरगिज़ न की कबूल और इस तरफ हुसैन को खत आए कूफा से प्यारे हुसैन जल्द कूफा आप आइए बेहत करेंगे आप
हजरत हुसैन तैयबा से कूफे को चल दिए। जिस वक्त के यजीद को इसका पता चला, हजरत हुसैन आ रहे हैं जानिब कूफा। ये सुनते ही यजीद ने ऐलान कर दिया, हर संत अपना जारिये फरमान कर दिया। जो पकड़ेगा हुसैन को इनाम पाएगा, जो पकड़ेगा हुसैन को इनाम पाएगा। जो उनको पनाह देगा वही मारा जाएगा, जो उनको पनाह देगा वही मारा जाएगा। हुक्मे यजीद पर कई लश्कर सिपे सालार सब चल दिए हुसैन के करने को गिरफ्तार। अल-किस्सा जब कि जा रहे थे कूफे को इमाम, मर्जी हक से करबो बला में किया कयाम। करबल में जब के खेमे लगाए इमाम ने, चारों तरफ से घेर लिया फौज शाम ने। फिर जुल्म कैसा हुआ जाने बतूल पर, फिर जुल्म कैसा हुआ जाने बतूल पर। पानी भी बंद कर दिया आले रसूल पर, पानी भी बंद कर दिया आले रसूल पर। अल्लाह ने हुसैन का जब इम्तहान लिया, अल्लाह ने हुसैन का जब इम्तहान लिया, हक के लिए हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया, हक के लिए हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया। कासिम को भी अकबर को भी हक पर फिदा किया, सहरा
हसन हुसैन है विर्द मेरे दिल का, है विर्द मेरे दिल का, यही मेरे दिल का चैन, या मुस्तफा या मुर्तजा या सारा हसन हुसैन हसन हुसैन। पैकर हैं सारे नूर के, किसको जुदा कहें, पैकर हैं सारे नूर के, किसको जुदा कहें, खाकी लिबास पहन के, खाकी लिबास पहन के हसन हुसैन। बख्शिश का कोई रास्ता इनके सिवा नहीं, बख्शिश का कोई रास्ता इनके सिवा नहीं, इनके ही सदके सुनता, हसन हुसैन। सारे खजाना रब के हक है इन्हीं के पास, सारे खजाना रब के हक है इन्हीं के पास, पर्दा नहीं है पंजतन, हसन हुसैन है विर्द मेरे दिल का, है विर्द मेरे दिल का, यही मेरे दिल का चैन, या मुस्तफा या मुर्तजा या सारा हसन हुसैन।
हसन हुसैन। रमजान मुबारक तुमको, मोमिनो आमदे 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 रमजान मुबारक तुमको, यानी अल्लाह का एहसान मुबारक तुमको, यानी अल्लाह का एहसान मुबारक तुमको, यानी अल्लाह का एहसान मुबारक तुमको, मोमिनो आमदे रमजान मुबारक तुमको। अफजल इसमें नाजिल हुआ कुरान मुबारक तुमको, इसमें नाजिल हुआ कुरान मुबारक तुमको, इसमें नाजिल हुआ कुरान मुबारक तुमको, मोमिनो आमदे रमजान मुबारक तुमको। बस ये बख्शिश का है सामान मुबारक तुमको, बस ये बख्शिश का है सामान मुबारक तुमको, बस ये बख्शिश का है सामान मुबारक तुमको, मोमिनो आमदे रमजान मुबारक तुमको। ये मोहम्मद का है फरमान मुबारक तुमको, ये मोहम्मद का है फरमान मुबारक तुमको, ये मोहम्मद का है फरमान मुबारक तुमको, मोमिनो आमदे रमजान मुबारक तुमको। हर एक लम्हा है
खुदा तुम पे मेहरबान मुबारक तुमको, है खुदा तुम पे मेहरबान मुबारक तुमको, मोमिनो आमदे रमजान मुबारक तुमको, यानी अल्लाह का एहसान मुबारक तुमको।
मेरे खुदा से कीजिए दामन में उजाला, हर देगा खुदा देखना दामन में उजाला। रहमत खुदा पाक की हर काम पे लूटो, लो चांद नजर आ गया रमजान का देखो, लो चांद नजर आ गया रमजान का देखो। के उतर आया है आकाश जमी पर, अब देखना क्या होती है घर बार की रौनक, एक पल में बदल जाएगी बाजार की रौनक। मस्जिद के दरों बाम को किरणों से सजा लो, दो चांद नजर आ गया रमजान का देखो, लो चांद नजर आ गया रमजान का देखो। बताएगा पानी की हकीकत, जब धूप में होती है हमें प्यास की शिद्दत, रोजा रखो तो जानोगे खाने की जरूरत, कितनी अजीम होती है अल्लाह की रहमत। उस रब्बे जुल जलाल के फरमान को समझो, चांद नजर आ गया रमजान का देखो, लो चांद नजर आ गया रमजान का देखो। फरिश्ते सहरी के वक्त आके उठाएंगे फरिश्ते, नेकी की राह तुमको दिखाएंगे फरिश्ते, जन्नत में लेके साथ वो जाएंगे फरिश्ते। ऐ मोमिनो बिगड़ी हुई तकदीर बना लो, लो चांद नजर आ गया रमजान का देखो, लो चांद नजर आ गया रमजान का देखो। ऐलान है रोजा हर उम्मती
के वास्ते फरमान है रोज़ा, बस एक महीने का ये मेहमान है रोज़ा, बख्शिश के लिए हश्र का सामान है रोज़ा, रमज़ा के इस महीने से किरदार संवारो। लो चांद नजर आ गया रमज़ान का देखो, लो चांद नजर आ गया रमज़ान का देखो। बहार में महकेगा मुकद्दर, सूरज की तरह देखना चमकेगा मुकद्दर, अपना दिलों दिमाग मुनावर बनाइए, नेकी से अपने कल्ब को वाहिद सजाइए, बरकत का बढ़ के हाथों से तुम जाम उठा लो। चांद नजर आ गया रमज़ान का देखो, लो चांद नजर आ गया रमज़ान का देखो, दामन में अपने नूर की बरसात समेटो। लो चांद नजर आ गया रमज़ान का देखो, 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 लो चांद नजर आ गया रमज़ान का देखो। फूल होता है, अगर नमाज भी रोजे के साथ शामिल हो तो रोजादार का रोजा कबूल होता है। देखिए रोजादारों के चेहरे, देखिए रोजादारों के चेहरे किस तरह जगमगाने लगे हैं, किस तरह जगमगाने लगे हैं। देखिए रोजादारों के चेहरे, देखिए रोजादारों के चेहरे किस तरह जगमगाने लगे हैं, किस तरह जगमगाने लगे हैं। देखिए रोजादारों के चेहरे मगाने लगे हैं, देखिए रोजादारों के चेहरे किस तरह जगमगाने लगे हैं। चांद रमजान का हो गया है, चांद रमजान का हो गया है, लोग मस्जिद में जाने लगे हैं, लोग
थे जो दूर अपने रब से, माह रमजान की बरकत से वो भी हो गए थे जो दूर अपने रब से, माह रमजान की बरकत से वो भी। रमजान के महीने की ये शान देखिए, किस दर्जा खुश है हाफिज़े कुरान देखिए। सुनते ही अब अजान इबादत के वास्ते, आने लगे हैं साहिबे ईमान देखिए। हो गए थे जो दूर अपने रब से, माह रमजान की बरकत से वो भी। हर घड़ी अब तो मौला के आगे, हर घड़ी अब तो मौला के आगे, अपने सर को झुकाने लगे हैं, अपने सर को झुकाने लगे हैं। हर घड़ी अब तो मौला के आगे, अपने सर को झुकाने लगे हैं, अपने सर को झुकाने लगे हैं। पसंद है वल्लाह, रोजादारों के दर्जे बुलंद हैं। रमजान के महीने की ये शान देखिए, जन्नत के दर खुले हैं, जहन्नम के बंद हैं। देखो ईमान वालों की सूरत, इन पे कैसा निकारा गया है। जैसे रमजान की चांदनी में, जैसे रमजान की चांदनी में, अहले ईमान नहाने लगे हैं, अहले ईमान नहाने लगे हैं। जैसे रमजान की चांदनी में, अहले ईमान नहाने लगे हैं, अहले ईमान नहाने लगे हैं। आता है ये महीना इबादत के वास्ते, अल्लाह और नबी की इताअत के वास्ते। हमने तुम्हें ये माह मुबारक अता किया, रोजे रखो उसी की इनायत के वास्ते। हो गए 30 रोजे जो पूरे, रोजादारों को चैन आ गया है। देख कर ईद का चांद अनवर, देख कर ईद का चांद अनवर, सबके दिल मुस्कुराने लगे हैं, सबके दिल मुस्कुराने लगे हैं। देख कर ईद का चांद अनवर, सबके दिल मुस्कुराने लगे हैं, सबके दिल मुस्कुराने लगे हैं। देखिए रोजादारों के चेहरे,
किस तरह जगमगाने लगे हैं, किस तरह जगमगाने लगे हैं। वक्त सहरी हुआ रोजादारो उठो, वक्त सहरी हुआ रोजादारो उठो, सोई किस्मत जगाने के दिन आ गए। वक्त सहरी हुआ रोजादारो उठो, वक्त सहरी हुआ रोजादारो उठो, सोई किस्मत जगाने के दिन आ गए। वक्त सहरी हुआ रोजादारो उठो, वक्त सहरी हुआ रोजादारो उठो, सोई किस्मत जगाने के दिन आ गए। वक्त सहरी हुआ रोजादारो उठो, सोई किस्मत जगाने के दिन आ गए। दिन आ गए हर तरफ छा गई रहमतों की घटा, हर तरफ छा गई रहमतों की घटा, हर खता बख्शवाने के दिन ना गए। हर तरफ छा गई रहमतों की घटा, हर तरफ छा गई रहमतों की घटा, हर खता बख्शवाने के दिन ना गए। वक्त सहरी हुआ रोजादारो उठो, हर कदम हर नफस हर नजर नूर की, हर कदम हर नफस हर नजर नूर की, बारिशों में नहाने के दिन ना गए। हर कदम हर नफस हर नजर नूर की, हर कदम हर नफस हर नजर नूर की, बारिशों में नहाने के दिन ना गए। वक्त सहरी हुआ रोजादारो उठो, सखावत के दिन
बा अदब ऐ बशर रख के सजदे में सर, बा अदब ऐ बशर रख के सजदे में सर, रहमतों को मनाने के दिन ना गए। बा अदब ऐ बशर रख के सजदे में सर, बा अदब ऐ बशर रख के सजदे में सर, रहमतों को मनाने के दिन ना गए। वक्त सहरी हुआ रोजादारों उठो, रोजादारो चलो अपने दामन भरो, रोजादारो चलो अपने दामन भरो, रब से इनाम पाने के दिन ना गए। रोजादारो चलो अपने दामन भरो, रोजादारो चलो अपने दामन भरो, रब से इनाम पाने के दिन ना गए। वक्त सहरी हुआ रोजादारो उठो। इसका मोतकिद है बहुत खुश नसीब है, जो इसका मोतकिद है बहुत खुश नसीब है, जो इसका मोतकिद है बहुत खुश नसीब है। रमजान का महीना बड़ा ही अजीब है, रमजान का महीना बड़ा ही अजीब है, रमजान का महीना बड़ा ही अजीब है, इसका मोतकिद है बहुत खुश नसीब है, जो इसका मोतकिद है बहुत खुश नसीब है, जो इसका मोतकिद है बहुत खुश नसीब है। सामईन मुलाहजा फरमाइए, जो इसका मोतकिद है बहुत खुश नसीब है। यहां से ये वाकया शुरू हो रहा है कैसे, रोजा नमाज है ये जमाने के वास्ते, फिरदौस के मजे को चखाने के वास्ते, अल्लाह की ये रहमत बख्शिश का माह है, दरअसल इसकी हर दिल मोमिन में चाह है, इसका करेगा जो भी मुसलमान एहतराम, रहमत खुदा की झुक के करेगी उसे सलाम, रखेगा जो भी रोजा वो इनाम पाएगा, वादा ये है खुदा का वो जन्नत में जाएगा, दरअसल है ये बरकत वाला महे श्याम,
अल्लाह की नजर में है इसका बड़ा मकाम। एक वाकया अजीब है ये अपने तौर से, एक वाकया अजीब है ये अपने तौर से, ऐ रोजादारो इसको सुनो खूब गौर से, जमाने का वाकया भटके हुओं को राह दिखाने का वाकया। एक रोज खानकाह में थे गौस जलबगर, रमजान का महीना था रहमत का सरबसर। एक बुढ़िया गम से रोती हुई आई उनके पास, दुखड़ा उन्हें सुनाने लगी अपना बेहिरास। बोली वो उनसे, मैंने सुना है कि तुम हो पीर, मुश्किल में सबके रहनुमा सबके दस्तगीर। मेरे भी हाल जार पे कर दो जरा करम, हर सिमत से है घेरे हुए मुझको रंजो गम। मैंने सुना है ये महरम साहेबल कती, इसमें दुआएं होती है पूरी हर एक की, इसमें दुआएं होती है पूरी हर एक की, इसमें दुआएं होती है पूरी हर एक की। मुझको बताओ कैसे करूं मैं दुआ हुजूर, मकबूलियत से जिसकी मेरे दिल का गम हो दूर। बोले ये गौस बुढ़िया से क्या बात है बता, किस गम में मुबतिला है तू, ये माजरा है क्या। बोली वो मैं यहूदी कबीले से हूँ गरीब, टूटी है मेरे दिल पे कयामत बड़ी अजीब। बेटा था मेरा एक मेरी आंखों की रोशनी, उसके ही दम से थी मेरी पुरनूर जिंदगी। परदेश वो गया था कमाने के वास्ते, बिगड़ा हुआ नसीब बनाने के वास्ते। आया न लौट कर बहुए उसको पाँच साल, रो रो के उसके रंजो अलम में हमें निढाल, रो रो के उसके रंजो अलम में हमें निढाल, रो रो के उसके रंजो अलम में हमें निढाल।
जाने वो अब कहाँ, मेरी आंखों का नूर है, दिल मेरा कह रहा है वो जिंदा जरूर है। कुछ ऐसी राह मुझको बता दो मेरे हुजूर, आए वो अपने घर पे जो मुझसे हुआ है दूर। जो भी कहोगे तुम मैं वही मान जाऊंगी, हर हुक्म पे तुम्हारे मैं कुर्बान जाऊंगी। बुढ़िया से बोल गौश के रख अपने दिल में आस, आ जाएगा वो बेटा तेरा जल्द तेरे पास। अल्लाह के करम से नहीं कोई शै बईद, वो आके तेरे साथ मनाएगा अब के ईद। रमजान का महीना ये है बरकति बड़ा, रमजान का महीना ये है बरकति बड़ा, रमजान का महीना है ये बरकति बड़ा। पूरी जरूर होगी तेरी इसमें इल्तिजा, पूरी जरूर होगी तेरी इसमें इल्तिजा, पूरी जरूर होगी तेरी इसमें लाना चाहती है अपने दिल का फूल, कर सच्चे दिल से मजहबे इस्लाम को कबूल। तू बारगाह हक में ये सर अपना दे चुका, रख रोजे पढ़ नमाज कर अल्लाह से दुआ। औरत वो बोली कर लो मुसलमान मुझे हुजूर, पढ़ कर नमाज रोजे भी रखूंगी मैं जरूर। मुझको पढ़ाओ कलमा सिखाओ नमाज भी, रोजे के जो तरीके हैं बतलाओ वो सभी। हजरत ने उसको दीन का कलमा पढ़ा दिया, रोजा नमाज का भी तरीका बता दिया। शहर पर उसने अपने बताया नहीं ये राज, छुप छुप के रोजे रख के वो पढ़ने रही नमाज, छुप छुप के रोजे रख के वो पढ़ती रही नमाज, छुप छुप के रोजे रख के वो पढ़ती रही सहरी रोजे वो रखती थी नेक पाल, हर दम लगाए रखती थी अल्लाह से ख्याल। पढ़कर नमाज हक से वो करती थी ये दुआ, या रब कबूल कर ले मेरे दिल की इल्तिजा। देती हूँ तुझको वास्ता तेरे रसूल का, हजरत हसन हुसैन अली और बतूल का। कल्ला पे कायनात है तू कार साज है, मैं तो नियाज मंद हूँ तू बेनियाज है। अब मेरी लाज हाथ में है तेरे या खुदा, जल्दी ही मेरे बेटे से तू मुझको दे मिला। मुझको नहीं है कोई तमन्ना है बालो सल, मुझको नहीं है कोई तमन्ना है बालो सल, मुझको नहीं है
तीर्थ से लौट के आ जाए अपने घर। परवरदिगारे आलम से दुआ करती है तो परवरदिगारे आलम उस औरत की दुआ मकबूल फरमाता है। और आगे क्या होता है सुनिएगा। कर ली खुदाए पाक ने उसकी दुआ कबूल, उम्मीद के खिला दिए उसके चमन में फूल। बेटा था उसका बसरे में नादार तंग हाल, उस पर वो मेहरबान हुआ रब्बे जुल जलाल। अच्छी तरह का उसको न मिलता था कोई काम, यूं ही भटकता फिरता था बसरे में सुबह शाम। अल्लाह के करम से चला उसका कारोबार, उसने कमाया खूब जरो माल बेशुमार। ऐशो निशात का सभी सामान कर लिया, दामन को अपनी माँ की दुआओं से भर लिया। तोहफे खरीद सबके लिए उसने शानदार, तोहफे खरीद सबके लिए उसने शानदार, तोहफे खरीद सबके लिए उसने शानदार। पोशाक उसने अपनी भी सिलवाई सरनिगार, पोशाक उसने अपनी भी सिलवाई सरनिगार, पोशाक उसने अपनी भी सिलवाई सब सफर का किया उसने बेखतर। बगदाद लौटा अपने वो घर लेके मालो जर, एक ऊंट वो खरीद के उस पर हुआ सवार। दौलत वो अपने घर को चला लेके बेशुमार। अब उसकी माँ का हाल सुनो ही जो बात बात, उस रोज घर में पढ़ती थी वो असर की नमाज। शौहर ने उसको देख लिया आके नागहां, गैज़ो गज़ब में आ गया होकर वो बदगुमान। फौरन ही उसने पूछा ये तू कर रही है क्या, है ये मेरे खिलाफ, तुझे दूंगा मैं सजा। तूने किया है मज़हब इस्लाम को कबूल, अपने पुराने तोड़ के सब मजहबी उसूल, अपने पुराने तोड़ के सब मजहबी उसूल, अपने पुराने तोड़ के सब मजहबी उसूल।
जब असर की नमाज में मशगूल थी, उसका शौहर आ जाता है और ये देखकर उससे कहता है कि क्या तूने मजहब इस्लाम कबूल कर लिया है और हमारे मजहब के सारे उसूल तोड़ डाले हैं। तो वो बुढ़िया ये सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश होती है, लेकिन नमाज के बाद उसने क्या दुआ मांगी परवरदिगार आलम से, समाप्त कीजिएगा। पढ़कर नमाज बुढ़िया ने की हक से इल्तिजा, शौहर है बदगुमान मेरा इससे तू बचा, है आज रोजा तीसवां और चांद रात है, बिगड़ी मेरी बना दे तू आली सिफात है, अब वक्त आ गया है मेरे इम्तहान का, इज्जत मेरी बचा है तू मालिक जहान का। शौहर से फिर वो कहने लगी रो के जार जार, तुम कुछ भी कर लो मेरा है ये तुमको इख्तियार, चमकाई गौसे पाक ने ये मेरी जिंदगी, मैं दिल से हो गई हूँ मुसलमान वाकई, छुप छुप के तुमसे पढ़ती हूँ हर रोज मैं नमाज, छुप छुप के तुमसे पढ़ती हूँ हर रोज मैं नमाज, छुप छुप के तुमसे पढ़ती हूँ हर रोज मैं नमाज, रोजे भी तीसो रखे हैं मैंने बइम्तियाज, रोजे भी तीसो रखे हैं मैंने मची थी मेरे दिले बेकरार में, सब कुछ किया है मैंने ये बेटे के प्यार में, मेरी दुआएं कर ली हैं अल्लाह ने कबूल, खिलने ही वाले हैं मेरी सब हसरतों के फूल, कुछ लम्हों में वो आने ही वाला है मेरा लाल, तुम देख लोगे मजहब इस्लाम का कमाल। शौहर ये बातें सुन के उसे मारने लगा, दे दे के गालियां उसे फटकारने लगा, बोला वो उससे तूने खता की है बदफाल, देकर तलाक घर से मैं दूंगा तुझे निकाल, तू भी घुमा घुमा के मर जाएगी यूही, अपनी खता पे जहाँ से गुजर जाएगी यूं ही, अपनी खता पे जहाँ से गुजर जाएगी यूं ही, अपनी खता पे जहाँ से गुजर जाएगी यूं ही। कर ये शोर आ गए सब लोग दौड़ कर, इस बात का सभी पे हुआ एक बड़ा असर, इतने में वो भी आ गया बेटा बसद वकार, माँ जिसका बेकरारी से करती थी इंतजार, लेकर वो तुरा ऊंट से सामान ने कुफार, देखा जो घर में आके तो माँ का बुरा था हाल, जित
जितने भी थे यहूदी वो हैरान हो गए, कुदरत के इस अजीब करिश्मे में खो गए। माँ ने जो देखा बेटे को तो हो के बेकरार, लिपटा के उसको सीने से करने लगी वो प्यार। कुछ लम्हे बाद हो गई मगरिब की भी अज़ान, कुछ लम्हे बाद हो गई मगरिब की भी अज़ान। अफ्तारा उसने रोजा खुशी से बाइज़्ज़ो शान, उसके बाद सामने सबके पढ़ी नमाज, सबको जताया है बड़ा अल्लाह का रिसाल। इस्लाम ही ये दीन है सच्चा जहान में, उतरा है जो के पूरा हर एक इम्तहान में। रमजान का महीना बड़ा है ये बरकती, मकबूल इसमें होती दुआ है हर एक की। शर्मिंदा उसका हो गया शौहर ये देख कर, मांगी मुआफी बीवी से अपना झुका के सर। जितने वहाँ यहूदी थे हैरत उन्हें हुई, बोले वो सच्चा मजहब इस्लाम है यही। आपस में मिलकर सबने यही फैसला, हो जाएं हम भी चल के मुसलमान बरमला, हो जाएं हम भी चल के मुसलमान बरमला, हो जाएं हम भी चल के मुसलमान बरमला। बुढ़िया को लेके सब गए गौसे के पास, और उनसे जाके बोले वो सब लोग बेहिरास। या गौसे पाक हम पे भी एहसान कीजिए, कलमा पढ़ा के हमको मुसलमान कीजिए। दीने मोहम्मदी है ये सच्चा जहान में, उतरा है जो के पूरा हर एक इम्तहान में। उन सबको गौसे पाक ने कलमा पढ़ा दिया, मुस्लिम बना के उनको खुदा से मिला दिया। खुश हो के सब वो लोग गए अपने अपने घर, और ईद का किया सभी सामान सरबसर। सुबह को ईदगाह में जाकर पढ़ी नमाज, अपना समझ के दावरे बरकर को कार साथ। रमजान की वो दीने मोहम्मद में शान है, जिस पर फिदा हर एक मुसलमान की जान है। इस रोजा और नमाज की है अहमियत बड़ी, महशर में बख्शवाएगा अल्लाह से यही। रोजा नमाज की है बड़ी शान मोमिनों, मुस्लिम का दीन है यही ईमान मोमिनों, मुस्लिम का दीन है यही ईमान मोमिनों, मुस्लिम का दीन है यही ईमान मोमिनों। रोजा नमाज की है बड़ी शान मोमिनों, रोजा नमाज की है बड़ी शान मोमिनों, रोजा नमाज
का दीन है यही ईमान मोमिन।